Today, we are joined by Dr. Pinky Sankla, a skilled gynecologist and obstetrician at Janani Mother and Family Healthcare Center in Vikaspuri. With over 18 years of experience, Dr. Sankla specializes in women's health. She has earned degree in MBBS, MS in obstetrics and gynecology, showing dedication to this field. Dr. Sankla will explain medical termination of pregnancy today, discussing what it involves and why is it risky to take MTP pills without doctor supervision. MTP का meaning medical termination of pregnancy है, यानी कि जो pregnancy contraceptive failure की वजह से या फिर ऐसी pregnancy जो mother के लिए health issues create करती है या baby के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसी pregnancy को जब abort किया जाता है तो ये medical guidance के अंडर होता है, तो इसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। बहुत सारी फीमेल्स डायरेक्ट केमिस्ट से मेडिकल टर्मिनेशन करने के लिए एमटी पिल खरीद के खा लेती हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है उनकी लाइफ के लिए, बिकॉज सम टाइम प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन ना होकर एक्स्ट्रायूट्राइन भी हो सकती है, यानी कि ट्यूबल प्रेगनेंसी या कहीं और यूट्रस के अलावा। ऐसे केसेस में यदि वो मेडिसिन खाई जाती है तो वो ट्यूब रप्चर हो सकती है, जिसकी वजह से इंटरनल हिमरेज होने की वजह से मरीज शॉक में जा सकता है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा भी एक्सेसिव ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के चांसेस बनते हैं, तो इस तरह से कभी भी केमिस्ट से डायरेक्ट लेकर मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के अंदर ही मेडिकली टर्मिनेट करवाना चाहिए। और केमिस्ट से दवाई लेकर जो मेडिसिन ली जाती है वो इलीगल भी है। MTP से कई कई पेशेंट्स को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस बनते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया और वीकनेस भी हो जाती है। और कुछ कुछ पेशेंट में हमने ये देखा भी है कि MTP होने के बाद से उन पेशेंट्स के अंदर इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेस बन जाते हैं। पेशेंट और फीमेल्स को या फिर जो पीपल लोग हैं उनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो अधिक से अधिक कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें, और अगर इन केस प्रेगनेंसी लग जाती है तो एटलीस्ट बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के वो मेडिकल पिल्स को ना यूज़ करें और ना ही केमिस्ट से लें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और दूसरा, जो केमिस्ट है उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उनको वो फॉलो करें और बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी इस तरह की दवाई किसी भी फीमेल को एडवाइस ना दें या ना ही वो उसको परचेज करने दें और उसको डॉक्टर के पास भेजें। इससे उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी पेशेंट की भी, और साथ साथ में एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन में जाने से वो बचेंगे। देखिए, अगर MTP किसी को अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है कि वो रखना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में तो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। लेकिन यदि जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि बच्चे की धड़कन नहीं बनी है जिसे हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं, या फिर प्रेगनेंसी लग गई है और मदर की हेल्थ इश्यूज़ हैं जो उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए रिस्की हो सकती है, और या फिर बच्चा जो है वो कंजनाइटिव अनोमली वाला बच्चा है जिसको रखना सेफ नहीं है, तो ऐसी केसेस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी MTP को कवर करती है। यदि आपका क्लेम रिजेक्ट होता है तो ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर से इसके लिए जस्टिफिकेशन लिखवा कर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, और यदि दोबारा भी आपको क्लेम नहीं मिल रहा है तो एक प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस समाधान, आप इंश्योरेंस समाधान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो क्लेम रिजेक्शन के सॉल्यूशन में आपकी हेल्प करते हैं।